सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो ये एक नई वीडियो होने वाली है, क्विक एंड शॉर्ट होने वाली है, क्योंकि अभी जस्ट मेरे को कॉल आया मेरे फ्रेंड का कि वो आ रहा है तीर्थन वैली की साइड और मैं भी यहीं आसपास हूँ तीर्थन वैली के पास, तो बस उसे मिलने जा रहा हूँ। अभी अभी मैंने फटाफट से फ्रेश वगैरह हो गया और जैकेट वगैरह मैंने डाल दी क्योंकि यहाँ पर बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है और अभी मैं जस्ट रूम से निकल रहा हूँ। तो अब चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं अपने फ्रेंड से और देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं। अभी बस 10-12 किलोमीटर नियर बाय जाएंगे कहीं घूमने फिरने, देखते हैं कैसे कैसा होता है। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं यहाँ से। तो गाइस, ये अपनी बाइक फटाफट निकालते हैं और चलते हैं फिर फटाफट। कपड़ा मारना जरूरी है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच गया हूं अभी यहां पर। यहां इसको बोलते हैं फागु पुल और यहाँ पे डिसाइड किया था मैंने कि यहाँ पे मैं वेट करूँगा विक्रांत का। तो फिलहाल वो आ रहा है, यहाँ पीछे एक जगह पड़ती है मंगलौर, मंगलौर से आगे आ चुका है। तो बस 5-10 मिनट वेट करते हैं उसका यहाँ पे, फिर देखते हैं किस तरफ जाना है। अभी मेरी बात हुई विक्रांत से फिर से, क्योंकि मेरे यहाँ पर 10 मिनट हो गए थे वेट करते करते। उसने कहा कि फीलिंग आ रहा है, तब लेट हो गया थोड़ा, पीछे पेट्रोल पम्प है ना यहाँ पर, तो फिलहाल वेट करते हैं। और क्या, और फाइनली ये हमारे राइडर विकास जी पहुंचते हुए। ये मेरे भाई कैसा है? तो फाइनली विक्रांत भी पहुंच गया है और ये है विक्रांत अपना राइडर। तो बस अभी चलते हैं यहाँ से। हमने सोचा है कि तीर्थन वैली की तरफ ऐसे जाएंगे घूमने, फिर इसने घर जाना है वापस क्योंकि। तो चलते हैं, भी फटाफट मिलते हैं आपसे आगे। तो अभी हम आ गए हैं दोस्तों यहाँ गुशैनी वाले रोड में। ये गुशैनी वाला रोड तीर्थन वैली कहलाता है और ये रिवर है, मैं दिखाता हूँ आपको अभी। और ये है ग्रेट नेशनल हिमालयन पार्क, यहाँ से सारा एरिया ऊपर के लिए सेंचुरी टाइप है ये। और ये जो पार्क पोस्टर्स लगे हैं ये कुछ यहाँ की फेमस प्लेसेस है जहाँ जहाँ आप जा सकते हो। और ठंड काफ़ी हो रही है अभी, यहाँ पर ठंडी हवा चली है। और वो है तीर्थन रिवर, जिस रिवर के नाम पर इस वैली का नाम पड़ा है। तो ये है GHNP वर्ल्ड हेरिटेज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और अभी हमने यहाँ की टिकट ले ली है, 20 रुपीज़ है एडल्ट की टिकट यहाँ पर। और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर, क्या बनाया, कैसा है। अंदर घूमने से पहले हमने सोचा कि चाय पी लेते हैं और अभी बस यहाँ पे आग सेक रहे हैं, हाथ काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो गए थे। और ये इस तरह से कुछ यहाँ पर बने हैं चलने के लिए, देखते हैं क्या है। और यहाँ पे हमें बताया गया कि 1/2 किलोमीटर का रन है सारा अंदर, फिलहाल देखते हैं कैसा होता है। और काफ़ी विजिटर्स भी आ रखे हैं इधर। और यहाँ पर इस तरह से कुछ प्लांटेशन है, ये लग तो गोभी रही है, कॉली फ्लावर की फूल है यार ये भाई, क्या है पता नहीं क्या है भाई। काफी नीट एंड क्लीन बनाया है ये एरिया। वॉशरूम्स वगैरह साइड है। और यहाँ पे फेंसिंग लगी है, यहीं तक है सारे एरिया मतलब प्लस। और वहाँ उस साइड को कैफ़े वगैरह है रिवर्स क्रॉस करके, देखते हैं अगर टाइम लगा तो कैफ़े भी जाएंगे कुछ खाने पीने। और ये कुछ इस तरह से, हम दोनों का फर्स्ट टाइम है यहाँ पर, ये हम आते रहते इस तरफ बट आज हमने सोचा चलो अंदर ही चले जाते हैं
क्या है बनाया हुआ, उतना एक्सपोजर नहीं है अभी इसमें ना, चलो देखते हैं क्या होता है आगे। यहाँ पर ना ये सिर्फ ऐसे स्टैचूज बनाए हैं, हमने सोचा था कि रियल वाले हमें देखने को मिलेंगे, और ये जो स्टैचू देख रहे हैं आप, ये है हमारा और इस तरह से है कुछ, इस तरह से कुछ है, इस तरह से बनाए गए हैं। वैसे काफी ब्यूटीफुल है, बट अगर रियल होते तो मजा आता। और यहाँ पर ये है वो, वहां पे है। तो फ्रेंड्स अब जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमें अब देखा कुछ इंटरेस्टिंग था, वो ब्रिज काफी ब्यूटीफुल लग रहा है, तो चलिए चलते हैं उस तरफ। अभी तक तो हमारे को बोरिंग लग रहा था सारा पार्क। हाँ ये भी हो सकता है कि हमने बहुत जल्दी जज कर लिया इस पार्क को, बट आगे अच्छा होगा। वैसे ऐसा नहीं कि बहुत बुरा है, बट सुंदर है काफ़ी, बट वही है ना कि अगर हम लोकल हिमाचल जाए तो हमारे लिए उतना वो नहीं है यहाँ पर एक्सपीरियंस। ओहो गाइस फिर से हमारे साथ खप हो गई, हमने सोचा यहाँ पे पानी होगा बट पानी तो अभी है ही नहीं, बट जब पानी होगा तब यहाँ बहुत अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। चेकआउट कीजिए गाइस नीचे कितना सही लग रहा है रिवर बैंक। ऐसे लग रहा है ये एलईडी रोटेक और ये इसका शिकार। और यहाँ पर ये चिल्ड्रन जोन है, बच्चों के लिए काफी अच्छा पार्क है, पिकनिक एंड बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, काफी सही है, स्मूथ, कोई शोर नहीं है, बिल्कुल आप टच कर सकते हो नेचर को, अपने साथ फील कर सकते हो। और ये है हमारे बियर डिस्क्रिप्शन देखो ये, और इनके अनुसार ये मेल है। ये क्या ब्रीडल पाथ, फेयर ब्रीडल पाथ। वो नीचे छोटे सा पौंडे बट उसमें पानी नहीं है अभी, मानसून में यहाँ पर ज्यादा पानी होता होगा शायद। अभी हमने अराउंड 300-400 meters वॉक कर लिया यहाँ पे, और अभी तक वैसे यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा रहा हमारा, इतना बुरा भी नहीं है। अब पता नहीं कहाँ तक है ये सारा, और इग्नोर करना मेरे बाल, हेलमेट लगा के कुछ ऐसे रहते हैं गाइस। ऐसा है कि बर्थडे पार्टीज एंड सेलिब्रेशन के लिए बहुत सही है ये जगह, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड बहुत अच्छा होगा साइड। और अभी हम थोड़ा इधर आए थे, थोड़ा अंदर की ओर जंगल में, पूरी नेचर वाली वाइब है यहाँ पर और कुछ नहीं है। और ये है देवदार का पेड़, वहां गए थे हम उस साइड को, और अब हमने डिसाइड किया आगे जो एक शेल्टर बना है वहां तक जाएंगे, वहां से आगे जाएंगे नहीं, फिर वापस आ जाएंगे क्योंकि कुछ खास लग नहीं रहा आगे, सेम टू सेम है सारा जंगल। और अभी हम सिर्फ चल रहे हैं टिम्बर है यार, टिम्बर। तो ये है टिम्बर, इसकी ना दांतुन होती है,
और इस ट्री का नाम है टेक्सस बकाटा, कुछ इस तरह का है। और बेस्ट पार्ट यहाँ डस्टबिन लगे हैं पॉइंट टू पॉइंट, तो ये बहुत अच्छा है नीट एंड क्लीन रखने के लिए। और ये है हिमालयन ब्राउन गोल गोल, और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे हर्बल गार्डन टाइप कुछ बनाया गया है, मैं दिखाता हूँ आपको दोस्तों। इस गार्डन में इस तरह के छोटी छोटी क्यारियाँ हैं और काफ़ी प्लांट्स लगे हैं जो कि यूज़फुल रहते हैं आपके किसी भी बीमारी के लिए। जैसे कि इसमें लिखा गया है, देखो ये चोरा कुछ इस टाइप से है, चोरा और स्टमक पेन एंड डिफाइड के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए ये है, और इस तरह से काफ़ी सारे लगे इधर। ये पूरा इस तरह से गार्डन बनाया गया है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ के प्लांट्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स इस तरह से, और काफ़ी वेल मेंटेन्ड है ये। और अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। विक्रांत बहुत आगे चला गया, उसको पकड़ना पड़ेगा फटाफट। और ये है पाचा, इसको शिवरात्रि में यूज किया जाता है, हमारे काफी पवित्र होता है, पूजा के लिए यूज होता है। अभी काफी आगे चलने के बाद हमारे को ये वाला ट्रेल मिला है, ये ट्रेल जा रहा है छोई वाटरफॉल की तरफ, जो यहाँ से 2 किलोमीटर है। यहाँ पे हम अभी विजिट नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे अभी पानी भी कम होगा, और अभी हमने डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट टाइम यहाँ के लिए स्पैचुला आएंगे और वो पूरी वीडियो बनेगी छोई वाटरफॉल के लिए। काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है वो, बहुत ही हैपनिंग प्लेस है वो, तो कभी बनेगा प्लान वहाँ जाने का तो पक्का जाएंगे। तो ये हमारी लिस्ट में, टू डू लिस्ट में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आएगी अब तिथिन वैली में। और ये हम काफ़ी आगे आगे, अब तो कम से कम 600 मीटर आगे आगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छे घर बनाए हैं, ये मे भी शायद गवर्नमेंट रेजिडेंट से। और ये मे बी यहाँ का लास्ट पॉइंट, और वो, और ये है यहाँ का शाही रोपा बोलते हैं यहाँ को लास्ट पॉइंट। अभी हमने पूरा ट्रैक किया, अब मैं आपको दिखाऊंगा जब हम यहाँ से वापस जाएंगे कि हमने बाइक कहाँ पार्क किया और ये वाला पॉइंट कहाँ है। जब यहाँ पे पहुँचेंगे फिर से वीडियो बनाऊंगा यहाँ पे। थोड़ा आगे जाकर हम दोबारा पहुँच गए उसी पॉइंट पर, छोई वाटरफॉल, ये जाएंगे कभी। अभी वहाँ पास उतना टाइम भी नहीं है, और क्योंकि ऐसी जगह के लिए ना पूरा वेल प्लान चाहिए और टाइम चाहिए, सबसे बड़ी बात तो है कि आप जाओ इंजॉय करो, तो काफ़ी कुछ होता है ट्रैक करने में। तो कभी इसी इंटेंशन से आएंगे ट्रैक के और पक्का जाएंगे छोई वाटरफॉल। और काफ़ी जगह यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको जो अभी एक्सप्लोर करना बाकी है, तो बस बने रहिए इस वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, इस चैनल में बने रहिए। और ये हम वापस पहुँच गए यहाँ चिल्ड्रन पार्क के पास। तो फिर से हम पहुंच गए सस्पेंशन ब्रिज अपना, तो फिर सही मार्ग में ही लगा इस वाले पास में। और दोस्तों अगर आप इस प्लेस में विंटर्स में आ जाओ तो जैकेट वैकेट डाल गया ना, मैंने भी सिर्फ जैकेट और एक टी शर्ट पहनी है, बट इसमें भी वार्मर की जरूरत है अंदर, क्योंकि ठंड है भाई, काफ़ी ठंड है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं ना, तो धूप यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, छाँव है सारी इसलिए। तो फाइनली गाइस जब हम यहाँ से जा रहे हैं वापस थोड़ा आगे की तरफ, अब यहाँ पे हमने कम से कम 1 घंटा यहाँ पे हमने स्पेंड किया, फिर उसके बाद ज़्यादा हम घूमे नहीं आगे तक। तो बाकी मतलब ऐसा हमने आइडिया ले लिया कि काफ़ी सही है प्लेस आने के लिए, नेक्स्ट टाइम कभी दोस्तों के साथ आएंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। और बस अभी यहाँ पहुँच गए हम गेट के पास जहाँ से हम आए थे, तो चलते हैं अब यहाँ से वापस। तो दोस्तों अभी हम वापस जा रहे थे और हमें यहाँ पे ये मिले स्टैचूज, ये है पूरा बेस चिपको मूवमेंट। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो काफ़ी ज़्यादा रोल था चिपको मूवमेंट का हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए,
कुछ इस तरह से, जैसे कि आपने अगर स्टडी की होगी तो उसमें बताया भी गया है कि वहाँ के जो लोग थे वो इस तरह से पेड़ में चिपक गए थे ताकि पेड़ ना काट सके लोग, और ये बाकी डिटेल्स है आप पढ़ सकते हो। चिपका आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। तो ये था गाइस ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 2014 से ये रन हो रहा है यहाँ पे, और थैंक यू विजिट अगेन, श्योर फिर से आएंगे। और ये टिकट काउंटर यहाँ पे हमने अपने हेलमेट एंड बाकी सामान रखा हुआ था, तो चलते हैं अब यहाँ से आगे। और यहाँ पे हमने पार्क की थी अपनी बाइक्स। तो ये वो पॉइंट जहाँ वहाँ ऊपर तक गए थे हम, जो एंड था ना वहाँ तक, वहाँ हमें वीडियो में दिखाया था। और अब हम यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं, ये वाला है गुशैनी के लिए रास्ता, एक प्लेस पड़ता है गुशैनी, गांव है, और ये रास्ता जाता है सरची के लिए। और गुशैनी से आगे भट्ठाड़, पेरवाड़ी ऐसे कुछ गाँव है। तो सर्ची यहाँ से आगे काफ़ी, मतलब 20 किलोमीटर रख लो, 17 से आसपास है। तो वहाँ हम कभी नेक्स्ट टाइम जाएंगे। बांदर भी इसी रोड में आता है आगे के लिए। तो अभी बस यहाँ तक हम ऐसे ही आए थे, यहाँ पहले भी आ चुके हैं। और ये व्यू चेक आउट कीजिएगा इस वैली का, ये सारे रिजॉर्ट है रिवर के साथ, तीर्थन रिवर के साथ। और बस अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ से वापस जाएंगे, एक रेस्टोरेंट में रुकेंगे, वहाँ पर कुछ खाते हैं चाइनीज़, फिर उसके बाद चलते हैं घर की ओर वापस। दोस्तों वापस जाते वक्त रास्ते में काफ़ी सुंदर सा एक टेम्पल मिला हमें, तो दोस्तों अभी हम यहाँ कैफे में आ गए हैं, यहाँ पे कुछ लंच वगैरह करने आए हैं, और दिखाता हूँ मैं आपको ये कैफे। इस कैफे का नाम है आशियाना कैफे, और यहाँ से भी रास्ता है छोई वाटरफॉल के लिए, थोड़ा आगे आगे। यहाँ से ट्रैक 1 किलोमीटर का है सिर्फ, और ये पानी आ रहा है वाटरफॉल का ऊपर से। तो दोस्तों ये हमारा परांठा आ गया है, हमारे विक्रांत भाई की डिमांड पर, फेवरेट परांठा आलू परांठा। और ये हमारा बड़ी, और वेदर काफ़ी सही है दोस्तों अभी। और बस तो गाइस यहाँ पे हमने लंच वगैरह कर दिया, चाय वगैरह पी ली, और अब चलते हैं यहाँ से आगे। तो चलते फटाफट यहाँ से, ठंड हो रही है काफ़ी यहाँ पर, कहीं धूप मिलती है तो वहाँ पर। वहाँ से निकलने के बाद हमें भरपूर ट्रैफिक मिला है दोस्तों, ट्रैफिक ही ट्रैफिक। तो गाइस तीर्थन वैली से आने के बाद अभी हम यहाँ बंजार से आगे रुके थे चाय पीने के लिए, और अब यहाँ से आगे विक्रांत जा रहा है जलूड़ी पास की तरफ, इसका गांव उस तरफ, ये नीचे को चौनी जगह बोलते हैं वहाँ को। और अब यहाँ से लेते हैं अलविदा विक्रांत से, आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, क्यों ना, काफ़ी इंजॉय किया हमने। और बाकी हमारे आगे भी काफ़ी प्लान्स हैं अभी तीर्थन वैली को लेकर, जलूड़ी पास को लेकर। तो अगर वो प्लान्स एग्जीक्यूट होते हैं आने वाले वीक्स में, तो आपको वहाँ की वीडियो ज़रूर देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अभी लेते हैं अलविदा विक्रांत से, मिलेंगे आपसे अब, मिलेंगे आपसे अगली किसी अच्छी वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। और बाकी मिलते हैं आपसे, जरूर जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइस, ओके बाय, पीस आउट।